नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खरगोन जिले में देर रात तक गांवों में विकास यात्राओं का दौर जारी है। इस बीच पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार भी लोनारा गांव में विकास यात्रा में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि देश के गरीब वर्ग के अलावा सभी आमजनों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और उसके मूल्यांकन के लिए विकास यात्रा चल रही है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 15 माह के कांग्रेस कार्यकाल में संबल और किसान हितेशी योजनाओं को बंद कर दिया, परिणाम स्वरूप कांग्रेस में बगावत हुई और भाजपा ने कमान संभाली। उन्होंने ये भी बताया कि हर किसान के खेत में पानी पहुंचाकर देश को सूखी समृद्ध बनाने की कोशिश लगातार जारी है। गांव में विकास यात्रा निकाल रही और गांव ग्रामीणों को जो है मौके पर ही समस्या उनकी निराकृत भी की जा रही है। आप भी यहां पर पहुंचे हैं, सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद हैं, किस प्रकार की योजना? देखिए, शिवराज जी का हमारे प्रदेश के मुखिया का एक संकल्प है कि हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए उसके पीछे जो कल्पना है कि समाज के सभी लोग सुखी हों, सभी लोग समृद्ध हों और सबको सरकार की ओर से जो योजनाएं संचालित की जा रही है उनका सबको लाभ मिले। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ही है कि सबको सुखी और समृद्ध बनाना, क्योंकि ये सब जनता सुखी और समृद्ध बनेगी तो देश और प्रदेश सुखी होगा, समृद्ध होगा। तो यही मुख्य उद्देश्य है और इस यात्रा के माध्यम से देख रहे हैं गाँव गाँव जा करके कि क्या योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जो छूट रहे हैं वंचित है तो उनको दे रहे हैं। और यही इस उद्देश्य में यात्रा सफल हो रही है। आप देख रहे हैं कि सारी जनता इसमें बड़ी संख्या में भागीदारी भी कर रही है और अपनी समृद्धि का उसमें गदगद भी है, खुश है जनता। रात में पहुंच रहे हैं आप? रात में ये दिन भर चलती है यात्रा, सवेरे से शाम तक चलती थी, आज ये आखिरी पड़ाव था, अब कल से फिर और सवेरे से चालू होगी, फिर शाम को ऐसे ये यात्रा। योजनाओं का एक जाल बिछा आपने, क्या पानी सोना है निमाड़? निश्चित रूप से पानी खेतों में जब पहुँच रहा है और किसानों की आमदनी बढ़ रही है और इसलिए किसान भी समृद्ध हो रहा है तो मजदूर को भी खूब काम मिल रहा है, वो भी समृद्ध हो रहा है, व्यापार भी खूब चल रहा है, व्यापारी भी समृद्ध हो रहा है, समाज के सभी वर्ग, क्योंकि खेती से सब वर्ग जुड़े हुए हैं। तो कितने करोड़ की योजना है? 5,000 करोड़ की सिंचाई योजना है खरगोन जिले में चल रही है और लगभग अब उसमें बहुत सारा चालू भी हो गई है और बहुत बड़े रकबे में सिंचाई हो रही है। इसलिए आप देखेंगे कि जिधर जाओ, पहले निमाड़ जिले में रबी में कुछ बुनी नहीं होती नर्मदा किनारे को छोड़ के, आज जिधर जाओ उधर हरियाली है, सब गेहूँ चना बड़े पैमाने पर रबी की फसल है। आपने 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं मंच। देखिए, अब वो 15 महीने का समय गया तो आपने देखा होगा कि उसने कई बातें की थी, कई वादे किए थे, लेकिन कोई काम किया नहीं। उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम किया। जैसे मैं उस समय मंत्री था तो श्रम मंत्री था तो उसमें हम लाए थे योजना संबल योजना, उसको बंद कर दिए। किसान समृद्धि योजना किसानों के लिए उसको बंद कर दिए और कौन सी सारी जितनी अच्छी योजनाएं थी सबको बंद कर दिए और उसी का परिणाम हुआ कि जनता ने और कांग्रेस में बगावत हुई और उसको हटाया और फिर से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार फिर वो सारी योजनाओं को फिर से चालू करके और सबके विकास के लिए और लोगों के कल्याण के लिए सब काम कर रही है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क